सिनेमा ओडिया सिनेमा किछि दिन तळे मु किछि प्रोड्यूसर मानक सहित कथा हेथिली आ जेतळे कहुथिली जे ओडिया दर्शक माने मुह फेरै नै चंती ओडिया सिनेमा ठु तांकर जुक्ति थिला ओडिया सिनेमा त दर्शक अछंती टीवी रे देखुछंती सैटेलाइट फिल्म देखुछंती ओटीटी रे देखुछंती यूट्यूब रे देखुछंती हॉल रे फिल्म दर्शक आ देखुनाती कारण हॉल ही नै मु बुझी पारिनी तार आंसर कोन देबी सिनेमा कोन टीवी पे देखियर थाए मु जते बेले छोटो थिली सेते बेले बापा मां का सहित हॉल जाउथली फिल्म देखिया पे टीवी रे भी जच देखुथिली बट सिनेमा हॉल रे फिल्म को एक्सपीरियंस करिवार मजा ही अलगा ताले कोन सत्रे सिनेमा तार भाव रूप बदली दी छी किंतु तीन जन मेकर बहुत परिश्रम करछंती जे से सिनेमा जो परिश्रम करी की बनै छंती सेटा हॉल रे आस आपण मानको पाखरे पहुँचू आपण माने बहुत संख्या रे ताकू देखंतु आज कथा हबा से भली गोटे सिनेमार विषय रे आ से भली किछि मेकर को सहित ठीक गेस कले मु दमन विषय रे कथा होची आज कथा हबा दमन फिल्म विषय रे एवं तार तीन जन मेकर प्रोड्यूसर दीपेन्द्र सामल डायरेक्टर डिओ देवी प्रसाद लेंका एवं विशाल मौर्य सहित तबे चलंतु आज कथा हबा फिल्म दमन विषय रे एवं कथा हबा तार मेकर मानन सहित कौन चिंता करछंती से माने दमन फिल्म को नेकी कौन भाबुछंती से माने दमन फिल्म को नेकी सो जेमती कहली आज मो सहित दमन फिल्म रो बहुत इम्पोर्टेंट मेम्बर्स मैंने अच्छा जहाँ को आम मेकर्स को प्रोड्यूसर्स दीप भाई डायरेक्टर्स डिओ देवी प्रसाद लेंका एंड विशाल मौर्य तीन जन जाक आज आम जाना ए फिल्म टी जो रिलीज करने जाने दमन फिल्म टा को केमी से देखुंट कहीं चाहती जे आपण मैंने भी ताक आसी हल देखत ए विषय पूरा विस्तार भाव कथा आचार आपण मनर कथा भी किसी सो चलत कथा बहुत बहुत स्वागत करण को विशाल भाई दीप भाई दीप भाई बहुत दिन धरी आम चर्चार विषय रही दमन बहुत दिन हो गलानी विषय डिस्कसन चलती कौन सी डाउट नाई तार जितेबले ट्रेलर देखाला इट गिवस ए वेरी 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 गोटे पॉजिटिव वाइब्स आसला इंडस्ट्री आरंभ रु ही कंट्रोवर्सी रही आ दमन तार स्टार्टिंग पार्ट रु ही सो आरंभ करी दीप भाई दमन फिल्म टा करिया पाई चिंता कहीं की कले देखो तो मु फिल्म इंडस्ट्री मु तो फर्स्ट नंबर फर्स्ट वेंचर ता पूर्व मोर गोटे निजर आईटी कंपनी अच्छी जो थे कि पाखा कि आम 100 एम्प्लॉइज काम कर तो मुझे भल चलता कि जो इंडस्ट्री आसार गोटे मेन रीजन हूँ पर्सनली वाइफ तक गोटे थी गोटे पुश थी कि ना जदि करियर अच्छी तो निजे कर व्हाई टू क्वेश्चन सर निजे कर पुणी देखाओ कमी जिनसा हुए जेहेतु ओडिया इंडस्ट्री से टाइप रेकिंग हो सब कॉपी पेस्ट से ट्रेंडटा चली आसला तो सी के भी देखुले मोर फ्रस्ट्रेसन टा भी फिल्म ओडिया फिल्म थिला ओडिया फिल्म प्रति आज होल मोर गोटे सफ्ट कर्नर आगुरु बहुत मु फिल्म देखे तो जितेबाला दमन मत दमन माने सेमती किसी पर्टिकुलर माने थॉट आस ना जन कमन फ्रेंड थ्रु आम मिसिलु देवी भाई आउ विशाल भाई आम गोटे अलग प्रोजेक्ट उपर एक्चुअली आम डिस्कशन करूँ तेणु जिते ब्रेन स्टॉर्मिंग है समस्त गोटे कमन पॉइंट आम फाइंड आउट कलु कि आम कि अलग करूँ से जिनसटा आमको फर्स्ट लाइन रे क्लोज बांधिक रखी स्टोरी केमती आसा तो जितेबाला आम डिस्कसन करूँ तो आम स्टोरी जो मान खोजलु तो हेल्थ केयर इश्यू पर आम डिस्कसन करूँ कि करना देन से आई थिंक 15 दिन ब्रेक नहीं गले आम एम टकिंग अबाउट अक्टोबर 2020 रो डिस्कसन तेणुतापर से जो देवी भाव फोन करते कि दीप गोटे कनसेप्ट अच्छी जोटा कि जो थे कि से कम करते ऑलरेडी से जो प्रोजेक्ट आज जो मलकानगि जो केबीके एरिया को जाकि जो रियल टाइम एक्सपीरियंस थिला से सेमाने बहुत गुड़ाए रिसर्च फैक्ट्स एंड फिगर्स से कलेक्ट करके गोटे वन लाइनर गोटे प्रिपेयर करते आम से बसिल एंड दैट वाज मानने शुणापर
মানে মু কনেক্ট করি বলি কি এটা এটা অ্যাকচুয়ালি গোটে প্রবলেম যেটা কি লোক দেখেবার অছি আউ সেইটু হি দমন র জর্নি স্টার্ট হইতলা ওকে সো বিশাল ভাই এজ হি টোল্ড দি বে কইলে যেনতে আপন মানে কেবি ক্যারিয়ারে যাইতিলে দ্যাট ওয়াজ সাম প্রজেক্টস এন্ড অল হোয়াট এভার সো দমন ফিল্ম র আইডিয়া হাউ ইট কেম एक्चुअली लगभग 1.5 साल पहले की बात है मैं और दीवी एक डॉक्यूमेंट्री करने के लिए गए थे मलकानगिरी मलकानगिरी के आगे एक एरिया है 151 गांव है जो कि कम्प्लीटली कट ऑफ एरिया जिनको बोला जाता है गुरुप्रिया सेतु के आगे तो जब हम लोगों ने वहां पे डॉक्यूमेंट्री की लगभग 6-7 दिन हम लोगों ने वहां पे बिताया सो वी सॉ द लाइफ वेरी क्लोजली आई मीन जो वहाँ के लोग हैं जो वहाँ पे ट्राइबल कल्चर है जिस तरह की लोकेशंस हैं हम लोग खुद एक बोट में बैठ के एक गाँव में गए फिर हम लोग एक ट्रैक्टर पर बैठे तो बहुत ही क्लोजली वहाँ का जो भी लाइफ स्टाइल है ऑब्जर्व किया तो हम लोगों ने डिस्कस किया मैंने बोला देवी को देवी कभी ना कभी यहाँ पे वापस आएंगे और यहाँ पे जरूर फिल्म बनाएंगे बिकॉज उड़ीसा में इस तरह का खूबसूरत लोकेशंस हैं आई थिंक अगर हम लोग वहाँ नहीं जाते हमें कोई बिल्कुल मतलब अछूते रह जाते इस चीज़ से तो बहुत ही ज़्यादा हम लोग एक्चुअल एक तरीके से सरप्राइज हुए और वहाँ से सोचा कि कभी ना कभी आएंगे और बनाएंगे उसके बाद लकीली ये हुआ कि जैसा कि दीपन जी ने बताया कि हम लोग एक प्रोजेक्ट के ऊपर बात कर रहे थे बट समहाउ उस प्रोजेक्ट के ऊपर तो कुछ बात नहीं बनी बट वी गॉट एग्री कि कुछ नया करना है तो हम लोगों ने डिस्कस किया कि अच्छा हम लोग वहाँ से डॉक्यूमेंट्री करके आए हैं सो लेट्स थिंक समथिंग अबाउट दैट बिकॉज वी वॉन्टेड टू शो द रियल उड़ीसा रियल पीपल जो उड़ीसा की सॉयल है वहाँ की जो कहानी है वो हम लोग दिखाना चाहते थे देन वी पिच द आइडिया टू दीपेंद्र कि दीपेंद्र एक ऐसा स्टोरी करते हैं मलकानगिरी के ऊपर होगा 151 गांव के ऊपर होगा ही इमीडिएटली लाइक दिस एंड वही चीज मैं बताना पूछना चाहता हूँ बिकॉज दैट्स इट बेस्ड ऑन ए रियल स्टोरी दैट भाई ओके सो ये स्टोरी टा हब लाइक आपन ठीक अछि आपन गले डॉक्यूमेंट्री करले मलकानगिरी बुझी के असले ए स्टोरी टा आपन कोन सुनिथिले मलकानगिरी रे जा ऊपर आपन तापर काम करि आरंभ करले बिकॉज दिस इज द रियल स्टोरी इट बेस्ड ऑन ए रियल यू नो लाइफ स्टोरी एट अ बायोग्राफी भी गोटे कहा जाए पारे जन डॉक्टर कर सो जहाँ शुणा जाऊँच इज इट जे आपन सेटा ओरिजिनल कंटेंट ऊपर बेस्ड करी एटा चिंता करले बायोपिक ने आमे जे डॉक्यूमेंट्री करियो जाइतो सेते बेले बहुत बड़े जिनस देख लो मैंने फर्स्ट टाइम आम एम लोकेशन मनाली जाइए बुलाई तो मत मनाली भाई किसी लोकेशन लगे बोले कहीं बाहर को जाते बड़ा लोकेशन अच्छे मैंने मलकानगिरी खुशी हेलो आम जो विशाल कहे ट्राक्टर आम बोट्रे जाइ जो नक्सल एरिया जाने समस्ते तो बोट्रे गल बहुत कम लोक जाते बोलते बहुत ही कम लोक सरकारी लोक जी जाए खाली रास्ता बनवाई एमती ओडिशा कौन से लोक मतलब देखे ही ना से जगह आम ट्राक्टर में गल से सब एरिया जो देख लो मैंने लगे जन्नत जो कहते एक्चुअली से जगह अच्छे मलकानगिरी एत बढ़िया बढ़िया लोकेशन आम कम कर मेलेरिया गोटे डॉक्यूमेंट्री होता से सब गला सब लोगों सागर मिसा से सब देखा ये सब जिन कौटना कौटी छपी जाइए माइंड में जे बेसिकली प्रथम आसते गीत करें बाहर को तो ये कहीं बढ़ना से जो बड़ सोरीस क्षेत्र से मांडिया क्षेत्र ब्यूटीफुल लोकेशन तो से सब भितर कौटना कौटी माइंड में थी तो आम पलै आसल आम पाखे सदा बेले 8-10 कनसेप्ट था जोटि की स्क्रिप्ट 5 रेडी थाए तो प्रड्यूसर को ऊपर डिपेंड कर कौ भाया कनसेप्ट को बेसी रिलेट करुच्चे मुझे यहाँ करी तो जो पाख जो लगुच ये मो पाखर अच्छे स्क्रिप्टा आम से जिनस दू तो ये जो देखा ये गोटे हेल्थ केयर उपर गोटे फिल्म कर हेल्थ केयर उपर कौन अच्छे किसी पार कि आम दिन मुझे स्ट्राइक कला अच्छा आम तो रिसेंटली जाइलेरिया ये सब जिन कर एमती जिनस जो एक्चुअली देखला लोक प्राउड फिल करेंगे जे आम ओडिशा ये जिन कर इंडिया भितर जो बाहर को इंडिया बाहर लोक डाकुंत आम ये जिनस दमन भितर तो से जिनटा को देखा इच्छा था विशाल फाइनल कल जे ठीक अच्छे आगे स्क्रिप्ट करवा एक्चुअली से स्क्रिप्ट ना से लोकेशन थी लोक थे कम कमी हो सब इनफर्मेसन आम पाखे थी तो से इनफर्मेसन रू पी भाई गोटे स्टोरी फ्लो कर तापर भाबलु अच्छा से जो डॉक्टर भी जाती से को परिस्थिति रे जाती आमे से जूनियर डॉक्टर का संगे देखा करू जो माने जॉइन कला पर बहुत टेंशन रे रोहंती तो सेम से लोग को सारे किछ मिसलु से फार्मेसी संगे मिसलु रे कुछ अच्छा ए भने जदि कहान टा को नबा तो किछ गोटे से मिलिबो जोटा कि बाकी लोग संगे कनेक्ट हे गला जतो ट्रेलर आसीला मते डॉक्टर माने फोन किले एटा मो कहानी आपन विश्वास करबे डॉक्टर रोहंती
जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय माने अछथि जो माने इंटीरियर एरिया जाय के सर्विस करछथि से माने कहउछथि भाई एटा मो कहानी भले मते लागछ ओके एटा ओटे कनेक्शन छै ओके सो जेंति आपन मानको सुनियार थिला दमन इज दैट ए इंस्पायर्ड स्टोरी और बायोपिक स्टोरी सो नुहे एटा गोटे कहानी जोथरे कि लोक माने से जगार लोक माने से डॉक्टर्स हंतु एम्प्लॉयज हंतु समस्त निज निज को कनेक्ट करि पारछथि सो वर्तमान द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जोटा मु जानिया पई चाहूछि दमन नाटा कौन एक्चुअली आपण बहुत इंटरेस्टिंग वे लिखुचंती डीटा कैपिटल एमटा कैपिटल जेते पढ़ा होछि सेटा द मैन भले सुना जाउछि बट उच्चारण करचंती आपण दमन सो ए नाटा केमिति मुंडरे पसला ओ काई कि ता ना दियाई छि दमन से दम जेमति फिल्म रे एक छि ट्विस्ट पॉइंट है माने किछटा जिंस आमे रिवील करू ना किछटा जिंस रिवील करू तो से नाटा भी गोटे जिंस एमति छि जोटा को आमे चाहम जे ऑडियंस आसी कि सेटा थिएटर रे एक्सपीरियंस करू ओके कारण आमे बेसी आमे पर्टिकुलर एसब जिंस रे जदी एई जिंसटा है जदी आमे सीन करछु तले सीन रे कोनटा जिंस देखेबु जोडा लोक एक्सेप्ट करबे आ बांधिक रहबे सेते प्रति शॉट रे भाबु तो एते से नाट भी सेमती अछि ओके कि थिएटर को आसले ऑडियंस जान पर ओके फिर गोट गोटे जिंस करेक्ट करबे कि लाइक एक्चुअली दमनटा ही इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स ओके जो जो इवेंट्स गुडा सेट हेई छि सेटा एक्चुअली हेई छि ओके जोटी माने जहां भी ट्रेलर जति पर्यंत देखाय छि ये जो रिसर्च रे जो फैक्ट्स एंड फिगर टा अछि सेति भाई हमें ता कहू छी कि माने इंस्पायर्ड बे ऑलरेडी हे छी मो एतरे ऐड कर दो छी बड़ा जिंसो करे एतरे जो जिंसो लिखा है छी एटा कोनो से फैंटेसी नो आमो मन रे कहानी नो ये सब को जाके तो बिगिनिंग टू एंड गोटे गोटे एक्सपीरियंस इट्स द ट्रू इवेंट इट्स द बेस्ट एंड कंप्लीट ट्रू इवेंट कंप्लीट ट्रू इवेंट जहां भी गुरुप्रिया ब्रिज नथिला 2018 रे तो गुरुप्रिया ब्रिज सेपटे होची 151 टका तो सेतेबेले लोक मानकर अवस्था कोन थिला सेठी सरकारी लोक जाउ नथिले काम करिया पे तो ये डॉक्टर सेठी की जाई छी सेठी कोन सब असुविधा बिल्कुल गोटे फोटो भी सदाले वायरल होची मु चेष्टा करी मो प्रोड्यूसर को कहिते हमें भीतर सेटा भी देखेबा जे गोटे ओरिजिनली एजेंटी गोटे डॉक्टर तंत्र अटेंडेंस सहित नै के जाउ छथि दैट इज इवन सी पीपल एट सो सो ए पेन गुड़ा को कनेक्ट करिबो बोली आशा करा जाउ छी बिकॉज सत्य कहानीटा सत्य कथाटा लोकन को हृदय को छुए आ सेति पई गोटे बहुत बड़ा रीजन होल ऑडियंस अपेक्षा करि बसछथि ए फिल्म लाको सो देव भाई विशाल भाई आपण माने ऑलरेडी गोटे फिल्म करि सरी छथिं ओके एंड इट वाज अ गुड मूवी बड़ा मूवी टे थिला बिग बजेट मूवी को आ जाय ताकु बिजू बाबू बोली एंड गोटे डिफरेंट थिला गोटे प्रयास तो अलग प्रकार ही थिला सो अनुभव महांती सेते बेले करथिले आपनकर से सुपरस्टार अनदर सुपरस्टार ऑफ ओडिसा बाबूसान आपन माने बाबूसान को ए फिल्म रे नबार रीजन कोन आपन माने ट्रूली बिलीव करथिले बाबूसान ए फिल्म पे परफेक्ट हेबे ना आपन गोटे बड़ स्टार दरकार थिला बिकॉज टोटल फिल्म रे यदि गोटी की एक्टर अछि से होछि बाबूसान बड़ ना बाकी दीपनवीत को भी लोक माने चिन्ह छथि बट बड़ पूरा स्टार इमेज यदि कहब गोटे लोक व्हाई बाबूसान बाबूसान को कौन पे चिंता करा इतला फिल्म रे से बाबूसान एक्चुअली गोटे चेहरा ओडिशा से सुपरस्टार ये तो गोटे पार्ट रहा बट बाबूसान जिनस गुड़ाक फिल्म गुड़ा देखे जो फाइनल करते दमन केमती करवा क्या सागर करें बसिक बोधे बहुत कोड़ेटा खंडे फिल्म देखीचु तो से जो जिनस गुड़ा भितर बाहर था इनस्टांट जिनस गुड़ा से फन हो कि सैड हो जहाँ भी बाहर था से लगला जे ये जिनसटा को धरी पारे एज मैच कला जदि मोर गोटे यंग एमबीबीएस डॉक्टर टे जाय कि फर्स्ट टाइम जॉब करिया को जाउ छी तो सी गोटे मैच कर गेला तापरे देखियो जे आमो संगे बढ़िया कनेक्ट हो काहे कि ना ऑलरेडी सुपरस्टार जानि छथि आ कोक ना गोटे से खोजुतिले गोटे काम आमे जो बिफोर डिस्कशन करथुले ता पूर्व तीन चार थरे से खोजुतिले कि छोटा भलो कांसेप्ट आसु लव स्टोरी रोटी आपन रिसर्च करले जते बेले जेंगे हम सुनै भी गोटे होटल तक संगे देखा रहल छथि सिकल ऑनलाइन को तंग ऑनलाइन को तो स्क्रिप्ट सुनिया दरकार नहीं रेडी फाइनल मु कर छी एथले आ स्क्रिप्ट पर बसी मु किंतु एटा कर छी ओके
दमन का बेसिकली जब हम लोग लिख रहे थे तो कास्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अस, बिकॉज वी बिलीव कि अगर कास्टिंग सही है तो 50% जो फिल्म का काम है वो वहाँ पे हो जाता है। तो जब सोचे कि डॉक्टर सिद्धार्थ मोहंती जो हमारा कैरेक्टर है कौन फिट बैठेगा इसमें, तो काफ़ी सारे यहाँ पे ऑप्शंस होते हैं जो दिमाग में फ्लैश होते रहते हैं, तो उसमें बाबूशान थोड़ा सा परफेक्ट नज़र आया हमें, बिकॉज जैसे देवी ने बोला कि एज वाइज भी वो ठीक लगे, सिद्धार्थ मोहंती को जैसे हमने एक इमेज बनाया हुआ था स्क्रिप्ट के हिसाब से वो थोड़ा सा फिट लगे। तीसरा चीज़ है कि बाबू का जब हमने लास्ट का बैकग्राउंड कुछ फिल्में देखा तो उनका IQ, उनका जो डिलीवरी है, जिस तरीके से वो रिएक्ट करते हैं, जो उनका टाइमिंग है, सो एवरीथिंग वी लाइक्ड। तो हमें लगा कि अब बाबू जब मैच कर रहे हैं तो फिर अभी किसी और के बारे में क्यों सोचना, एंड बाबू वॉज द फर्स्ट चॉइस, तो उसके अलावा हमने किसी के बारे में सोचा भी नहीं। एंड लकीली बाबू को जब हमने स्टोरी सुनाया तो केवल 5 मिनट का स्टोरी सुन के ही सेड यस, तो किसी और को जरूरत ही नहीं पड़ा सोचने के लिए। सो चीज ये है कि विशाल भाई जयंती अपन कहले बाबू सन इज द ओनली स्टार देयर, बट बाकी दीपोनित को छाड़देले बोधे मुझे गोटे भी क्यारेक्टर को कनेक्ट कर पारिनी। कास्टिंग टा केते डिफिकल्ट थिला कि सहज थिला आपनकर ऑल टोटल कास्टिंग, बिकॉज गोटे बहुत दूर को जाउचंती नियर अबाउट 400-500 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द यू नो बिग सिटीज, जोटी फैसिलिटीज कम, गोटे बड़ क्रू को नहीं कि जीवा को पड़ियो, बिकॉज आपन बहुत बड़ टीम टे जाउथिबे 100% सेठी काम करबा, आउ से जो चैलेंजेस थिला एंड सब इम्पोर्टेंट इत्ते बड़ कैनवास रे करूथिले, इत्ते जूनियर आर्टिस्ट दरकार होथिबे, इत्ते आर्टिस्ट दरकार होथिबे, हाउ यू पीपल मैनेज, आई जस्ट वांट टू यू नो लिसन द स्टोरीज, खाली मु नहीं ऑडियंस माने भी जानिया पई चाहिबे। जे बिसल मोर जतबेले कोनसी स्क्रिप्ट आसे प्रथमे आर्टिस्ट पई आमे ओरड होजे कहा को नहीं परबो, आपन जो कहले बिजु बाबू करछु, बिजु बाबू पूर्व आउट फिल्म करछु बी फॉर बंदे का सेतरे पोनी एफडीए रो पुणे एफडीए रो जणे जे मेन प्रोटागोनिस्ट थिले, बाकी सब थिएटर आर्टिस्ट। तो ये एक्सपीरियंस कोडना कोडी हमर हे थिला से थिएटर, देखो बैड थिएटर गुड थिएटर आज जो के समझते जाने यस, तो हम तको जदी फिल्म रे फिट करिया बहुत व्हाट्सएप कर देले आसी जी। ओके तो सही एक्सपीरियंस ता थिला सेईटा कोडना कोडी बेसी काम देला एठी। ओके तो एठी देखिलु मेन तो थिला से लैंग्वेज कहिवा बहुत इंपोर्टेंट थिला, आ हमें जानतु जे फिल्म को हम डबिंग कर पाइबो कारण सिंग साउंड रही है, सेड अपन कंप्लीटली सिंग साउंड रे करछ, कंप्लीटली सिंग साउंड, कारण से जो लैंग्वेज थिला जदि थ्रो जणे कर दो छी आ सेकंड टाइम से को कहि परियो नली भी हम जाने छी आ लेखि भी हो पर किछ भी करियो पर। तापर आर्टिस्ट आर्टिस्ट से लूप्स थिबा दरकार, से भाषा कोथवा दरकार, आ से गोटे एक्टर टे हिथवा दरकार। त आ भीतर हम तो खोजिलु मालकानगिरी कोरापुट सुनाबडा, कोरापुट रे बढ़िया थिएटर अछि, सेठी हाल अछि जो हाल रे से माने थिएटर ग्रुप बड़ थिएटर ग्रुप अछि तंकर, तो सब जगह को हम गल तो सेठी हमें कैरेक्टर सिलेक्शन कलु कि हे परबो न हे परबो, ऑडिशन नेलु, नेला परे सिलेक्शन करके हम आगु बढ़ल, आ वर्कशॉप भी करचंती बड़े मासे पर्यंत वर्कशॉप करचंती, माने यू कैन बिलीव कि डी लाइन चार लाइन में डायलॉग थिवो से माने ऑफिस जाउ थिवे पॉकेट रे पुरी से डायलॉग टाकु मासे पर्यंत कोचें भाई हमें मासे पोंत से डायलॉग टाकु मन रखु कि कहिला बड़ को मन रखि कहिला बड़ जंती न लागे, तो प्रैक्टिस करचु त ए सब जिंस आ भीतर थिला। तो एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ कि कास्टिंग वॉज द बिगेस्ट चैलेंज फॉर अस, बिकॉज जब हमने ये लॉक किया कि बाबू एक्चुअली वहाँ पे लॉक हो गए थे, बाबू के साथ जो एक और जो मेन कैरेक्टर जो आप नाम ले रहे हैं दीपांजित का, ही गॉट फिक्स्ड, उसके अलावा पिक्चर में आप जिसको भी देखेंगे ही विल बी द न्यू फेस कम्प्लीटली, ठीक है, तो बहुत बड़ा चैलेंज था। और एक चीज़ थी कि दमन का जो कॉन्टेक्स्ट था कि हमें मलकानगिरी दिखाना है, वहाँ का जो ट्राइबल लाइफ है, तो कैरेक्टर का फेसेस, उनका लैंग्वेज, उनका बॉडी पॉस्चर, बात करने का तरीका, सब कुछ कहीं पर भी वो झूठा नहीं लगना चाहिए, दिस शुड बी द कन्विंसिंग। तो जब हमने सोचा कि ठीक है यहाँ से तो दो लोग का कास्टिंग कर लिया है, बाकी हम लोगों को कोई ऐसा और कोई नज़र नहीं आया जिसको हम यहाँ से कास्ट करें और फिर उनको लैंग्वेज सिखाएं, पैसा उनको मेकअप दें, हमें लगा कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा लोगों से एक तरह का ठगी हो जाएगा, बिल्कुल फेक लगेगा, सो लेट्स गो देयर। हम लोग वहाँ पे गए, हम लोगों ने रेकी के टाइम पे काफ़ी वहाँ पे आर्टिस्ट से बात किया, वहाँ पे जो अलग अलग थिएटर ग्रुप से वहाँ देखा। और मैं आपको एक बात बताऊँ इंटरेस्टिंग, दमन में कई बार ऐसा हुआ है कि थिएटर आर्टिस्ट तो हैं, मतलब उनके बहुत सारे डायलॉग्स हैं, कई लोग ऐसे हैं जो हमने पूरा गोरिल्ला शूट किया हुआ है, मींस वी हैड नो आर्टिस्ट, हमने वहाँ गांव से किसी को पकड़ा है, उसका फटाक से वहाँ पे हमने वर्कशॉप कराया है, डायलॉग बुलवाया है, एंड ही डिलीवर्ड। तो ऐसे बहुत सारे सीन में हुआ है, इसीलिए जो एक पिक्चर का बोलते हैं ना कि रॉनेस एंड फेकनेस नहीं है फिल्म में, आप जिसको भी देखेंगे आप कनेक्ट करेंगे कि हाँ ये वहीं का आदमी है, माने पर्टिकुलर गोटे छोटिया कैरेक्टर में डायलॉग नथिबो से सिलेक्शन है कि अच्छी आगुरु अमोक गांव रु आसी पाला ओके
କାହାକୁ ନେବା ଏଠି ଦରକାର ସୁଟିଂ ଟାଇମ୍ ଆମର ତ ଆଉ ବଜେଟ୍ ହେଇଥିବ ଯେ ଆଜି ବନ୍ଦ କରିଦିଅ ସେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ପାଇଁ କାଲି ସୁଟ୍ କରିବା ତ ସେଇଠୁ ସାଙ୍ଗେ ଟଣା ହେଲା ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି ଏମିତି ଏମିତି କରିଦେବ ଚାଲୁ ବସ୍ ଓକେ ସୋ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ତିନି ଜଣ ଯାକଙ୍କଠୁ କେତେ ଟାଇମ୍ ପ୍ରି ପ୍ରଡକ୍ସନରେ ଲାଗିଥିଲା ଫିଲ୍ମଟା ପ୍ରି ପ୍ରଡକ୍ସନରେ ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ଆମେ କରିବୁ ପ୍ରଡକ୍ସନରେ କେତେ ଦିନ ଲାଗିଲା ଆଣ୍ଡ ପୋଷ୍ଟ ପ୍ରଡକ୍ସନରେ କେତେ ଦିନ ଲାଗିଲା ଅଲ୍ ଟୋଟାଲ ମୋତେ ମୁଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଫିଲ୍ମ ଦମନ ଫିଲ୍ମର ପ୍ରୋସେସ୍ଟା ହଁ କେତେ ଟାଇମ୍ ନେଇଥିଲେ ଆପଣ ଆଉଟପୁଟ କାଢ଼ିବା ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଷ୍ଟୋରି ଲାଇନ୍ରେ ବସିଲୁ ଅକ୍ଟୋବର 2020 ଷ୍ଟୋରି ଲାଇନ୍ରେ ବସିଲୁ ଷ୍ଟୋରି ଟୁ ଫର୍ଷ୍ଟ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଆଉ ଇଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସୁଟ୍ ଗଲୁ ଅକ୍ଟୋବରରେ ଅକ୍ଟୋବର ତା ପୂର୍ବରୁ ଟୋଟାଲ ଆମର ପ୍ରି ଉପରେ ଥିଲା ମାନେ ଷ୍ଟାର କାଷ୍ଟ ଆମେ ତିନି ଥର ରଖି କରିଛୁ ତିନି ଥର ମାନେ ଆମର ଲିଷ୍ଟ ଥିବ ବି ମାନେ କରୋନା ଟାଇମ୍ ଯେହେତୁ ଥିଲା ତ ଆମର ହଜପସ ନଥିଲା କୌଣସି କାମ ପାଇଁ ପୁରା ଫୋକସ ଆସିଗଲା ଯେମିତି କହିଲେ 2020 ଅକ୍ଟୋବରରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଯେ କୋଉ କନସେପ୍ଟ ଉପରେ କାମ କରିବୁ ତ ସେଠୁ ନେଇକି ବୋଧେ ପାଖାପାଖି ଆମେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଲଗେଇ ଦେଇଛେ 10 ମାସ କି ପ୍ରି ପ୍ରଡକ୍ସନ ଟାଇମ୍ ଥିଲା ତାପରେ ଆମେ ତିନି ଥର ଯାଇଛୁ ଲୋକେସନ ରେଖିରେ ଆଉ ଇନ୍ ବିଟୁଇନ୍ ଆମ ବାପା ଯଦି ମୁଁ ବି ଆସିଥିଲି ସେ ରିପୋର୍ଟକୁ ସେଥିପାଇଁ ତାପରେ ସେଇ ପାର୍ଟଟାକୁ ଆସିଥିଲି ଆପଣ କହନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହିଦିଏ ମୋ ଅଡିଏନ୍ସକୁ ବି ଆଉ ସେ ସବୁ ମେକର୍ସ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ମୋତେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରି ପ୍ରଡକ୍ସନରେ ଆପଣ ଯେତେ ଅଧିକା ଟାଇମ୍ ଦେବେ ସେତିକି ସୁରୁଖୁରୁରେ ସହଜରେ ପ୍ଲାନିଂ ୱେରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଡକ୍ସନରେ ବଜେଟ୍ ଭିତରେ ଫିଲ୍ମ ସରିବ ଯଦି ଆପଣ ତର୍ବରିଆ ପ୍ରଡକ୍ସନକୁ ଯିବେ ପ୍ରଡକ୍ସନ ବଜେଟ୍ 100% ଓଭର ହେବ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ଆପଣମାନେ ଯେତିକି ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ସେଇଟା ତ ଆମେ ଟ୍ରେଲରରେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଦେବେ ଏଥିରେ କୌଣସି ଡାଉଟ୍ ନାହିଁ ବଟ୍ କିଛି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଫେସ୍ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଡକ୍ସନ ଟାଇମ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କୋରାପୁଟ ଯାଇଛନ୍ତି କରୁଛନ୍ତି କାମ କିଛି ବି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଛି ଯେ ଆପଣ ମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମେ ଏଇଟା ବଜେଟ୍ରେ ସାରିବା ପାଇଁ କି ବଜେଟ୍ ବଢ଼ିଯାଉଥିବ ଏମିତି କିଛି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ କୋରାପୁଟର ମୋର ଗୋଟେ ପର୍ସନାଲ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହି ବିଜିଏମ୍ କରୁଥିଲୁ ବିଜିଏମ୍ର ଆମ ଫାର୍ଷ୍ଟ ବିଜିଏମ୍ ଥିଲା ଆମେ ଚେନ୍ନାଇରେ ମୁଁ କହିଲି ସୁଟିଂ ଟାଇମ୍ରେ କିଛି ଆପଣ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଥିଲା ଯେ ସେଠି ତ ଗାଡି ମୋଟର ସବୁ ଜାଗାକୁ ଯାଇପାରିବନି ତ ଆମେ ବହୁତ ବାଟ ଚାଲି ଚାଲିକି ପଳେଇଥିବା ହଠାତ୍ ବର୍ଷା ଉଠିଲା ତ କ'ଣ କରିବେ ସେ ଟାଇମ୍ କାରଣ ପ୍ରିକସନ୍ ସେତିକି ନେଇକି ଯାଇ ହଉ ନଥିଲା ତ ପୁଣି ସବୁ ଗାଡି ଭିତରେ ରଖ ୱେଟ୍ କର ନହେଲା ତ ଆସିବେ ତ ସେ ଯେଉଁ 4-5 ଘଣ୍ଟା ଆମର ବରବାଦ ହଉଥିଲା ସେ ଟାଇମ୍ରେ ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଥିଲା କି ନେକ୍ସଟ ଡେ ଏମିତି ନ ହଉ କାରଣ କୋରାପୁଟ ସୁନାବେଡ଼ାରେ ବର୍ଷା ଆସିଯିବ କେତେବେଳେ ବି ଆସିଯିବ ତ ଏଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥିଲା ଆଉ ସେମିତି କିଛି ବୋଧେ ନାହିଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ତ ବହୁତ ଥିଲେ ମୁଁ ବତା ରହା ହୁଁ ये तो एक बारिश का तो चैलेंजेस था बिकॉज कोरापुट और मलकानगिरी का एरिया बारिश कभी भी आ सकती है दूसरा चीज़ ये है कि जैसे आर्टिस्ट हम सब जो मैक्सिमम जूनियर्स थे या जो भी हमें वहाँ से क्राउड चाहिए वो हम इंस्टेंट करते थे तो कभी ऐसा होता था कि सपोज मुझे किसी सीन में 100 लोग चाहिए तो फटाक से बारिश आ गया या अरेंजमेंट नहीं हो पाया या फिर गाड़ी का डिले हो गया तो वो क्राउड अभी 100 लोग मिलेगा नहीं यहाँ तो वहाँ से जितने भी लोगों को अरेंज करना है कि ये बहुत बड़ा चैलेंज था दूसरी चीज ये थी बड़ा इंटरेस्टिंग इवेंट मैं बता रहा हूँ आपको जो बाबू के साथ हुआ हम लोग फर्स्ट डे शूट कर रहे थे पेंडा जाम करके एक गाँव है वहाँ पे तो जो खच्चर आप देखते हैं पोस्टर पे वो खच्चर हमने बुलाए थे एंड बाबू फर्स्ट केम हियर मतलब वो बाबू का पहला दिन था अब वाज वेरी हैप्पी हम लोग बोला चलो बाबू खच्चर दिखाते हैं तो बाबू को लेके हम खच्चर के पास चले गए खच्चर से मिलाते हैं बाबू लगभग इतने डिस्टेंस पे खड़े हुए थे 1-2 फीट के पता नहीं खच्चर को क्या हुआ लात उठा के फटाक फटाक करके इधर पैर पे उन्होंने मारा है ओ बाबू सनराइज में बाबू शान को द फर्स्ट डे एंड द साउंड वाज सो हार्ड मुझे लगा अभी तो फ्रैक्चर हो गया अभी पिक्चर बंद अभी कुछ नहीं कर सकते 2 महीने बट लकीली क्या हुआ कि बाबू ने उसको दर्द को सहा एंड ही नेवर शोन की वो इतना पेन में है मुझे लगा कि चलो अब तो घर जाके आराम करते हैं अगले दिन का बंद है लेकिन उसके बाद बाबू आए और पूरा उन्होंने शूटिंग किया तो वो चीज की वजह से पिक्चर रुका नहीं
और कुछ चैलेंजेस में बोलूं जैसे मेरे खच्चर का चैलेंजेस था, खच्चर का चैलेंज बहुत बड़ा चैलेंज। अच्छा खच्चर को ढूंढने में भी स्टोरी, अरे एक्चुअली खच्चर तो ना जानते से बाबूसान बोली है, अब मैंने जानी छे, सो ही डजंट हैव एनी रिस्पेक्ट फॉर इट। सिटी गुट्टे चैलेंज सिटी बाबूसान इज सुपरस्टार, से जुआडे भी जाउथले माने क्राउड माने बहुत माने सिटी रू से हैंडल द क्राउड्स इज पहाड़ का मेजर चैलेंज एक्चुअली। अब पहाड़ मु जत आउटसाइड जत से इक्विपमेंट उडा नेक टेकी टेकी नेक से जगह को शूटिंग लोकेशन को लाइट को नेक इट्स वेरी डिफिकल्ट थिंग वेरी टफ तो सही जन सम आउटसाइड जत देखिल हम कहले रियली टफ। आप मते गोटे कोन कोथले चलन तो प्रोडक्शन चैलेंज छड़न तो व्हाट आप गोटे कोन कोथले गोटे बीजेम वेरी इंटरेस्टिंग लाइक तो बीजेम हमें कोइन फर्स्ट ऑफ ऑल बीजेम के करचेंते हमरो एटी रे हमर ऑर्को दो लोग ने किया ऑर्को एंड गोपाल ओके चेन्नई दे आर फ्रॉम चेन्नई ओके वन इज फ्रॉम मुंबई अनदर वन इज फ्रॉम चेन्नई ओके कोंतु जितल हम बीजेएम रो कोलु तो सी जितल पहुंचल से कहले कि नहीं आपन आसन 15 दिन पर हम कोल 15 दिन नहीं 3 वीक्स यू टेक 3 वीक्स हम से दैट्स इट द फाइनल देखियो जितल हम बसिलु इट इज टोटली ऑफ माने कंप्लीटली ऑफ लाइक देयर इज नो बीजेएम लाइक बीजेएम थिला किंतु सही नैरेटिव हिसाब रे नथिला तो चैलेंज लगी से तमिलियन से ओडिया बुझंतनी ये हिंदी हमें इंग्लिश तो फाइनली एमन दि जने पसिले सेठी हमें गोटे दिदिन पाई जाइतलो पण से एक्सटेंड हला 5 दिन पर्यंत सेठी बसी के पूर्णी करेक्शन करके हला आ दिस टू गाइस आर वेरी ऑफ कोर्स मोस्ट लास्ट क्लास पर्टिकुलर माने पर्टिकुलर से आसी गे आसेले बीजीएम डेटा चेंज हो ओके सर ओके सर ओके देन वी आर लिसनिंग अगेन पूरी सेम लगे दी मैं तो बैठ के सत्रह वहां बैठ के मैं एक तरह का वो बीजीएम अरेंजर बन गया मुझे ओके आप वो इंस्ट्रूमेंट लगाओ ना इसमें थोड़ा सा ये दो थोड़ा सा फील आएगा ओके ओके सर फिर हो गया दिन ओके फिर बैठे ठीक है ये तो मिले कनेक्शन नहीं कनेक्शन होंगी सी जिनके कनेक्शन होंगी कौन करिया कौन करिया देन अगेन पुणे अवतरे मुंबई रे अवतरे गलु देन वी क्लब इट सो इट्स नॉट लाइक डिसरेस्पेक्टिंग बट फाइंडिंग द राइट पार्ट आपन जे कहले नहीं जो ये कथा को कहले जे रिप्रोडक्शन केते दरकार ऑडियंस को तो सेही बले बीजीएम आपन गोटे जिंस आज करू छन आपन तो महान नहत जे एते जे आज 10टा आरंभ करू छन 7:30 बजे आउटपुट बाहर आपन को न बाहर पारे काली भी न बाहर पारे पोर्ट ले भी न बाहर पारे क्रिएटिविटी वर्ड सदाले गोटे बुझंतनी मु भी जान छी बट मु एटी को मूड पर डिपेंड भी करे एटी पैसा कथा पड़नी एटी कथा पड़ जे से लोग न तो आपन को अधिक टका न बनी आज्ञा बट से क्रिएटिविटी दवा पे त को टाइम दर हां से मे भी मासे नबो आपन चाहो जे दिने के बाहर कर देबे 3 दिन पर फिल्म रिलीज कर देबे कि दे देबे चैनल को जदि सेती कि न करी खाली त टाइम देबे ना तू तो जीवन में बेस्ट वाला जे समस्त भाबे मो जीवन रे एटा बेस्ट न देबे फिल्म ता ताले ताले सब फिल्म में बहुत भलो ही बाहर के आसीबो डिजन को हैट्स ऑफ गोपाल एंड ऑर्को बहुत बहुत मेहनत चल तो हमें माने कथा है गले स्टोरी रो फिल्म रो एक्टर्स मानन कर डायरेक्टर्स कर लोकेशंस रो नाउ वी आर कमिंग टू द म्यूजिक गौरव आनंद मु तासे तो बहुत काम कर छी ओके वो मैंने गौरव जत नुआ नुआ आसला बुधे तर जत सिंगर भी नथिला आम ये गोटे सी गोटे म्यूजिक सेटिंग रे बसु आई आस्क गौरव टू प्लीज कम एंड जॉइन मी इन माय म्यूजिक सेटिंग ही इज ए ह्यूजली टैलेंटेड बॉय केमिति चिंता कले गौरव आनंद विषय रे प्रथम द्वितीय जिनस गीत एथिरे आमे मैक्सिमम देखुचे आपण माने फोक को प्रायोरिटी देइछंती हाँ इज इट अ डिमांड ऑफ द सिचुएशंस एंड कंटेंट और आपण माने एक्चुअल फोक को आनिया को चाहुथिले आई वांट टू नो अबाउट इट आल्सो सो प्रथमे गौरव आनंद काई की गौरव आनंद के संगे हम गोटे काम करथु मो कॉलेज रो अंतिम सॉन्ग थिला तो सेठिले काम करथु जेतो आमे जानि नथुलु विशाल हमर जे ये मो माने गौरव आनंद जस्ट हमको म्यूजिक आसला हम सुनि गो बधाय करछि पिलाडे के ताको कॉलेज से विजुअल भी जहां भी हमें कॉलेज बहुत प्रशंसा मिलता था तापर हटा तमे एंती बस्तु कहा गुनाबा जे न्यू कमर हेतिबो जे मेसे बेसिकली कथा सुनि आमी जोडा चाहू जो से सुनिबा एंड डिलीवर करिबा सुनै एंड डिलीवर सुनिबाटा बहुत इंपोर्टेंट लका के सुनिबो जे से टैलेंट थिबो तापर ऑब्वियसली हमें बाबूसन संग रे मिसिलु कथा वार्ता हो त बाबूसन कुतला छि गौरव आनंद को काई न करिबा जेना मीटिंग फिक्स करबो त मीटिंग फिक्स करलो हमें गौरव संग रे
आमे स्क्रिप्ट डिस्कशन रे बसिलु मिसि कि विशाल मु आ गौरवाना तो सेटु स्क्रिप्ट देखला परे से पहिला आर एनालिसिस आमे नै परिया जेपी वर्ड्समिथ जेपी वर्ड्समिथ मु आपनन कहि कि रखुछि आ जेपी वर्ड्समिथ का नाम होछि जयप्रकाश नायक से तांकर जेपी वर्ड्समिथ कर लेखा मुँ जितेबाला प्रथम प्रथम शुणिली गोटे दुईटा मुँह कहली अरे यार साहित्य रे एत गुड़े शब्द अच्छी जोटा आम एक्सप्लोर करें एज ए लिरिसिस्ट मुझे पर्सनाल लेवल फोन कली भाई दैट व्वाज समथिंग एक्सट्राऑर्डिनरी थिंग्स यू हाड मेड एंड दमन रेतेबाला गीत शुणिली इट व्वाज ए हांग ओवर फॉर्म आपंकर से गीतटा स्टार्टिंग फर्स्ट सॉन्ग जितेबाला आसला एंड आई कॉल हिम चारिकांथ चरे जीवन एंड दैट व्वाज समथिंग एबे भी मोर गुजब मस्जिद से कथा कहूँ मुँह कहली हाउ यूर थिंकिंग लाइक दिस् ना बहुत सहज था मोपाई मत जमी एलाबरेट कराई कंटेन्टा जहाँ कहार एंड बहुत सहज था मुझे लिखिदेली इजिली मत बेस कष्टी बट इज ए वेरी गुड थिंकर कारण से वर्ल्ड लिटरेचर्स को बहुत भल भाव पढ़ती बुझती एंड मुझे जेपी वर्ड्समिथ विषय आउ गोटे क्या कह बेले बेले प्रशंसा करी जब किसी लिखे मुंड सोमे शतपथी दर व्वाज से आपंकर भी रेकर्डिंग वगैरह से गीतर तार मोर गुगुल खोलू कौन प्रशंसा कर वर्ड रर्थ कौन सो दिस कैंड अफ टैलेंटेड पर्सन सो दिस कैंड अफ टैलेंटेड पर्सन इज एंड बापू गोस्वामी तो कौन कह गीत तो शुणी गोटे जेनेसन सी लिरीसीस्ट हो हाँ हाँ तो जेपी वर्ड्समिथ को संगे कथबार्ता हेलु आम कनसेप्ट शुणी प्रथम कहली भाई आप स्क्रिप्ट देवी ना हाँ मुझे कहली मुझे स्क्रिप्टा कहबि ना पठेबी कहते पठे दि आम स्क्रिप्ट पठे दि गोटे दिन से स्क्रिप्ट पढ़देले एत खुशी गल दिज गोटे लिरीसीस्ट स्क्रिप्ट मागिकी पूरा पढ़ुंटे तापर सेयार कले से मलकानगि एरिया रे थिली तो मुझे जानी जिनस आसब तापर तो जहाँ लिखिकी दे आप हाँ हाँ दैट वाज मैंने कौन सी डाउट नहीं आप ढेमसा गीत शुणिथे से चारिकांत जीवन भितर गीत शुणिथे आहरी आगे भी गीत आस शुणे एंड आई प्रमिस् यू दमन फिल्म स्टोरी जी भल ता गीत ताठ भी भल आप पसंद आसब ही आसब एंड प्लीज भल पाइवा दे आरंभ करते भाया गीत को भी केवल चालू गीत को लिस्निंग डांसिंग नंबर को हो जो गीतटा आज आप भल लगे कल आप शुणा को भी चाहिए जी भल पाइवा दौरान प्लीज व्वाच दिस् लिसन दिस् गीत को भी से भल पाइवा दिंतु फल ओडिया फिल्म सहित ओडिया संगीतर मान भी बढ़ सो ये होगा म्यूजिक पैटर्न फोक वाला जो भी हाँ, फोक वाला नहीं दमन का जिस तरह का राइटिंग था या जिस तरह का कंटेंट था दैट वाज डिफरेंट फ्रॉम द अदर फिल्म बिकॉज इसमें कोई ऐसा आइटम नंबर नहीं है लव नहीं है वो सब चीज़ें नहीं है इट वाज काइंड ऑफ मिशन तो डिफरेंट काइंड ऑफ राइटिंग रिक्वायर डिफरेंट काइंड ऑफ म्यूजिक सो व्हेन वी इनिशियली थॉट एंड गौरव आनंद के बारे में सोचा हम लोगों ने एंड हम एक ऐसे बंदे को लेना चाहते थे पहली बात तो जो हम जो बोल रहे हैं वो रिसीव करें दूसरी चीज जब भी हम किसी भी पिक्चर का ये करते हैं जब राइटिंग कर रहे हैं जब उसका हम प्री प्रोडक्शन कर रहे हैं वी नीड टाइम लॉट ऑफ टाइम बिकॉज वी आर द गाय भले ही हम 6 महीना लिखेंगे 1 साल लिखेंगे 2 साल लिखेंगे लेकिन जब एक बार उसको लॉक कर दिया देन वी आर बाउंड टू शूट द सेम थिंग हम लोग वो नहीं करते हैं तो म्यूजिक में भी हम चाहते थे कि जब हम सिटिंग करें एक ऐसा बंदा हो जो हमें टाइम दे एटलीस्ट हम नहीं चाहते थे कि ओके ये सिचुएशन है आप लिख लो उसके बाद म्यूजिक डायरेक्टर ने अपने हिसाब से कर दिया और हम ला रहे हैं सो दैट वी नेवर अलाउड टू हैपन गौरव के साथ आप पूछेंगे लगभग 6 महीना हम लोग उसके साथ बैठे हैं एंड फॉर ईच सॉन्ग बिकॉज हर सॉन्ग ऐसा है जो स्टोरी को कैरी कर रहा है एक कैरेक्टर के मूड को आगे लेके जा रहा है तो दैट वॉज वेरी वेरी चैलेंजिंग फॉर फॉर यस एक्चुअली चैलेंज से भी बहुत बढ़ी जाए जिते आप गीत गुड़ाक स्टोरी को क्यारि करके निए एंड से स्टोरीटा तो सहित बढ़ु था आपको दैट वाज एब्सोल्युटली राइट कम्युनिकेशन दरकार एक्जाक्टली तो से भी बुझीगले बढ़िया से हाँ ठीक अच्छे आम सिटिंग बहुत थर है बट फाइनली से बुझे बढ़िया डेलीवर ओके गुड गौरव आई मस्ट एप्रिसीएट योर वर्क खाली मुझे होल ओडिशा तुम वर्क को एप्रिसीएट कर आई विश यू ऑल माय बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर मूवीज ऑल्सो सो सेकेंड जिनस गोटे बिवर्तन मैंने मुझे आप बुझाक चाहिए बिवर्तन अर्थ कौन ना गोटे जोटा आज पर्यटन एमती घटनी यस
नहीं नहीं एक्सेप्शन एक्सेप्शन जोटा कह हुए आपणकर फिल्म रे हीरोइन नहंती एक्चुअली एक्ट्रेस जो फिल्म रे नाही ओडिया ऑडियंस सेमती फिल्म एक्सेप्ट भी करिबो इट वाज ए चैलेंज राइट एगुड़ा सब मुंडे आसते स्क्रिप्ट लिखुले आम फिल्म गोटे एक्ट्रेस टे पसईदेबा कि गोटे दुटा गीत पसईदेबा कि रिक्स होनी तो बाबूसान अच्छी सहित आक्टिंग नाई सहित गीत नाई ये बढ़िया लोकेसन जाऊे आम एक्सप्लोर कर शाढ़ी उड़ू गीत चल जाए गोटे ड्रीम सिक्वेन्स सहित पशिज सिनेमाटिक बिलिपटी कहती सो ये भाया जिनस मुंड को आसने आप दीकर जे एटा चैलेंज होनी तो सो बिकज दैट वाज द यू नो से तो जमी कहली व्हाट अ सिनेमैटिक लिबर्टी रहे हाँ गोटे हीरोइन पांच मिनिट पर भी आसी चल जाओ कौन फरक पड़ी सो ये जिन मुंडे पशनी एंड हाउ यू आर कॉन्फिडेंस एटा लोक एक्सेप्ट करेंगे प्रथम तो से स्टोरी को कौन डिमांड कर आम कौन कह चाहे से इंपोर्टाट से कह भितर किए आसूच किए न आस आम एम करना के स्टोर में बुलेदेव से अडियंसा भल पाइब बुले दे भल लगे आइटम बुले दवा भल लगे जमा सेम जेनेल लोक भावती जेनेल प्रोड्यूसर डायरेक्टर भावती फ्लोर में गलु ना आम क्यारेक्टर तो दरकार ही हूँ तो नवा ही कहीं एमती नुहजे आम गोटे क्यारेक्टर टे नौ जस्ट गोटे सजे कि प्रेजेन्ट करने गोटे ग्लैमर एड करने जो आम फिल्म करू तो तार कि गोटे इंपोर्टा थी से लेडी क्यारेक्टर ताल जाए नब ना कहीं नब तो सेमती किसी आम डिमांड नाला जहाँ कनसेप्ट डिमांड करें से हिसाब से ओके प्रथम तो यहाँ गोटे बहुत दुस्साहसिक पदक्षेप मुझे कहि कौन मैं दैट आई डोंट नो किंतु दुस्साहसिक पदक्षेप ए कह कारण मुझ पर्यंत बोधे ओडिया फिल्म टे देखनी जो थे कि हीरोइन टा नथिबो सो प्रथम थर देखा जाऊँ आपने बोला कि ओडिया ऑडियंस या ओडिया लोग जो है वो इस तरह का जो रेगुलर चला रहे हैं देखते हैं हम लोग कई बार सोचे कि इस ओडिया ऑडियंस इज डिफरेंट देन द तमिल ऑडियंस देन द एमपी ऑडियंस देन द मराठी ऑडियंस कहीं ना कहीं हमें लगता है कि ओडिया ऑडियंस इज एज क्लेवर एज एनीवेयर ऑडियंस बिकॉज हम सबको अच्छा कंटेंट देखना पता है मतलब अच्छा लगता है एंटरटेनिंग होना चाहिए दूसरा चीज क्या है कि एक बार जब स्क्रिप्ट हम लोगों ने लिखा जैसे हीरोइन का आपने बात बोला वी नेवर थॉट और कभी मन भी नहीं हुआ कि इसमें बाकी लोग क्या कहेंगे ऑडियंस आएगा कि नहीं इसलिए डालते हैं वी थॉट कि ओके ठीक है बाकी लोग तो डाल रहे हैं ना तो हम लोग 50 फिल्में तो डाल रहे हैं हीरोइन वाला लेट देम डू द बिजनेस हम अपना थोड़ा सा रिस्क लेते हैं कुछ नया देते हैं आज वो एक थॉट को पता नहीं चले कि ओडिया ऑडियंस बोल रहा हूं क्या ओडिया ऑडियंस को ये दरकार जैसे न्यूज़ चैनल नहीं जो जनता पूछता है सवाल वो जनता को किसने नहीं देखा ओके जिसको कुछ नहीं मु वर्तमान इन सेम क्वेश्चन आपको पचारी कहबी जितेबले आप फिल्म टाक रिलीज करने चेष्टा कले एंड दी थर यार डेट घुंचेले आपको डिस्ट्रीब्यूटर भी सही कथा कही रेट जो आपको जो मत क्लेरिफिकेशन दूसरी जे फिल्म हीरोइन ना ये ना से ना इट्स ए आर्ट फिल्म भाया देखा जाए टाइम देने यहाँ चलोनि आम आपको अधिका स्क्रीन दे पार्बन मानने गोटे भल फिल्म करवा इट्स ए स्ट्रगल फर ओडा रिलीज भी करा कौन एत स्ट्रगल हो जाए बहुत बड़ दुख रखा इट्स अ 10 टाइम्स स्ट्रगल बहुत बड़ दुख रखा था जी आपण सब बनेबे दिमाग लगेबे क्रिएटिविटी देखेबे पैसा खर्च करबे एंड ऑफ द डे गोड भाई तो सेटा एटा बहुत बड़ा कष्ट एटा ताले ओडिया रे कोन प्रोड्यूसर्स माने आपण मानकर कष्ट देखला परे से साहस जुटेबे जे आमे एमती फिल्म करिबा जे जोटा की लोकन को आमे खाली ए फिल्म में खाली ए बहुत प्राय सब फिल्म में कोन हे जाइस ना हिंदी चलो हिंदी देखुंत तो मत जहाँ लगुच जहाँ मार्केट देखु हिंदी चलिए मैंने कौन जन जो हिंदी फिल्म आने एक्स अमाउंट देखिए आठ चलिए से जो एक्सटा वाई दीटा आड होगा ओनली जन पकेट को जीवन तो ये आम जो फिल्म कर फिल्म तो किणिक नौना आप रिलीज करते कमिशन ने रिलीज करदे जहाँ आसो से हिसाब से चलो तो कहीं इंटरेस्ट देख जड़े इसका एक एडवर्स इफेक्ट भी मैं बोल रहा हूँ जो बहुत बड़ी चीज़ है क्या होता है जब आप एक इंडस्ट्री में स्पेशली लाइक उड़ीसा जहाँ पे बहुत ही छोटा इंडस्ट्री है जैसे देवी ने बोला कि हम लोग क्या फिल्म बना लेते हैं प्रोड्यूसर हैं एक डायरेक्टर हैं उन्होंने फिल्म बनाया बट एट द एंड ऑफ द टाइम वो रिलीज के लिए किसी पर डिपेंड है जब आप डिपेंड हैं तो वो बंदा वहाँ देख रहा है
अच्छा गाना कितना है, हीरोइन कितना है, फाइट कितना है, सो दे हैव देयर ओन पैरामीटर के इसलिए ये सब होगा तो मैं फिल्म लूंगा। बिल्कुल। तो ये चीज क्या कर रही है जो डायरेक्टर्स हैं, बिकॉज मुझे लगता है उड़ीसा में इतने टैलेंटेड डायरेक्टर्स हैं, यहाँ पर भी उड़ीसा के बाहर भी काम कर रहे हैं, दे हैव एवरी काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस क्रिएटिव बाउंडनेस, बिकॉज ये है ना कि आप बना तो लोगे लेकिन दिखाओगे कैसे, तो वो एक क्रिएटिव बाउंडनेस के अंदर है, उन्हें फिर से वही हार कर वही सब्जेक्ट पे आना पड़ता है, वापस वही रेगुलर चीजें बना रहे हैं, सो दे आर नॉट एक्चुअली गेटिंग एनी काइंड ऑफ क्रिएटिव फ्रीडम। तो मुझे लगता है कि इकोसिस्टम डेवलप इकोसिस्टम डेवलप जो मैंने फेल्युअर कौन पाए है जो ऑडियंस मैंने देखिले कि सहित चीट हो ओके नाउ आज ए एक्जिबिटर ओके भी आम क्वेश्चन कर एक्जिबिटर गोटे रन शो रन करुच्छी तार भी इनकम रोचे जिते जन सीट अकुपाई है तो जो पाखापाखि तीस वर्ष है देखो तीस थर्टी फाइव इयर्स आप गोटे भी कंटेंट आपड़ बाहर करते जोटा कि नॉट कॉपी पेस्ट फ्रॉम एनी अदर मूवी ठीक अच्छे कॉपी पेस्ट करके भी तार गोटे ओडिशा हिसाब से बनई थी एटलिस्ट लोक मैंने आक्सेप्ट कर जमी बॉलीवुड कर टेस्ट एंड फ्लेवर हिसाब से भी है देन आप बजेट जो टाइप प्रड्यूसर मैंने आसते तार बजेट कन्स्टेंट रे क्रिएटिविटी है तो कौ पॉइंट ऑफ व्यू रे गोटे ऑडियंस जीव हॉल को टिकेट काट देख आज जो देखुची जो ऑडियंस टा देखुची कॉपी पेस्ट हो स्लोली से आसा बंद कले ओडिया फिल्म को प्रायोरिटी देवा बंद कले तो प्रॉब्लम से कौन है देन इट केम्स टू अ टेलीफिल्म बुझले टेलीफिल्म को जो आसला तो से हॉल पर कहीं फिल्म बनइले से टेलीविजन पर फिल्म बनइले टेलीविजन पर्टिकुलर बजेट थाए जो देखे आनालाइज कल तेनालीर भी पॉइंट ऑफ व्यू इज करेक्ट जदि आम बजेट एति अच्छी आम कहीं अधिक स्पेंड करूँ आम सेटअप ऑडियंस अच्छी सेटअप टारगेट ऑडियंस अच्छी रीजन अच्छी तो मुझे टेलीविजन करती व्हाई वुड आई पे अटेंशन टू द थिएटर्स तेनाली जो इकोसिस्टम जो थर्टी फाइव इयर्स होती समस्ते चीट होती ऑडियंस टू नहीं एक्जिबिट मैंने आप भी कहते जो समस्ते फिल कर दर्शक जो मैंने हल को आसमोस्ट हरी सारे अफकोर्स किंतु बाउंड्री सेपटे अगणित दर्शक अच्छे बाउंड्री एपटे आम क्रिएटर अच्छे जी वर्ष वर्ष लड़े कि फिल्म टा बनइबो किंतु से बाउंड्री ऊपर जे ठिया है जे बायर ते से को चले चले आपन मान को जणे को चाहू छी केवल मून में बहुत आर्टिस्ट डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स ऑलमोस्ट ओडिया सिनेमा इंडस्ट्री पैटर्निटी अपेक्षा करि बसछि दमन को एक्सपेक्ट करि बसछि जे दमन को देखिबा पई थिएटर को आपण माने आसंतु जति दमन फिल्म बिजनेस करिबा आरंभ कला ताले मोस्ट प्रोबेबली आकु देखिया पई आपण को आसिले ओडिया फिल्म प्रति आपणकर आस्था बढ़िबो जदि आपण ओडिया फिल्म दमन को देखे कि एप्रिसिएट करिबे ताले गोटे नुआ ट्रेंड स्टार्ट होबार चांसेस बहुत अधिका रहिछि मेकर्स माने ए भलिया फिल्म प्रति दुर्बलता देखेबे आउ भल काम करके देखेबे ओडिया फिल्म कैन बी बैक टू द ट्रैक सो मु रिक्वेस्ट करिबे आपण मानको प्लीज 100% दियंतु जहाँ भी करंतु गोटे थर ओडिया फिल्म दमन को हॉल को थिएटर को आपन का नियरेस्ट थिएटर को जाई देखंतु परिवार सहित देखंतु सिद्ध भाई केवल दमन नो मु ऑडियंस को भी रिक्वेस्ट करी जो माने ए टाइप रो फिल्म करचंती फिल्म गोटे भाषा ओडिया भाषा आ आमे माने ही प्रायोरिटी दबा ओडिया भाषा को से लेवल को पहुंचा पे केवल दमन नो अलग जो माने ए टाइप रो फिल्म बा किछ क्रिएटिविटी नेके करचंती आमे माने ही ताको सपोर्ट करिया कथा आउ ऑडियंस माने आपण माने ही एई भाषा ओडिया भाषा संस्कृति को सही स्टेज को नहीं पारिबे जेते आपण प्रोत्साहन देबे जो कामटा करूचंती आमे कोनो जबरदस्ती फिल्म देखो जबरदस्ती नहीं जबरदस्ती देखिया नहीं सब्जेक्ट यदि देखंतु एथरे डाउट नहीं ट्रेलर को ह्यूज एप्रिसिएशन मिलछि आ मु चेष्टा करबि जे डिजिटल राइट्स नै छि अपन को फिल्म ता को कन्विंस करिया पई जे हम को अलाउ करंतु मो ऑडियंस मन को भी से ट्रेलर देखिया पई आ मु चेष्टा करबि अपन को देखिया पई बट जिंस होछि जति एप्रिसिएशन होछि तले से एप्रिसिएशन ता सोशल मीडिया रे सीमित न रहि जाउ
से एप्रिसिएशन टा को फैमिली सहित जाए थिएटर कन्वर्सन हो फुटफॉल टा थिएटर को जाओ जोटा आम मान रिक्वेस्ट रही आपण को ये सब गुड गुड थिंग सरीगला आई एम रियली सॉरी मत पचार पड़ो ये कथा ये भितर गोटे ह्यूज कंट्रोवर्सी है आप हिरोर एक्टर लव रिलेशनशिप को गोटे जबरदस्ती प्रेजेंट करिया को चेष्टा कला गोटे करा गला गोटे डिफरेंट वे रे एंड होल ओडिया मीडिया तांको उपरे से हरिण आउ एम सब बाघवड़िया जम्प करिगले तांको उपरे तांका पर्सनल लाइफ तांका फैमिली लाइफ तांको पूरा रास्ता रे ने आसले तांको आपण माने भी सेतरे बहुत सफर हेछंती गोटे इवेंट को जाई की सो व्हाट आई वांट टू आस्क ए भलिया एक्टिविटीज कौन इफेक्ट पकई दब कि आप भय अच्छी कि फिल्म बिजनेस को फिल्म फैन फॉलोइंग्स को जिते भाया कि गोटे घटना घटे इज देयर एनी चांसेस लगुच इफेक्ट पकई दब मो मत फिल्म रिलीज होता है या हफ्ते भितर सप्ताह भितर कि असर पड़ी था जेहतु ग्याप हो सब जिन ओपन धीरे धीरे बाहर को आस समे सत जानुंत पी बाबूसान खाली नुहति देवी भाई दीप भाई विशाल भाई मुझे डू हाव अल आवर पर्सनाल लाइफ बट आम पर्सनाल लाइफ आम पर्सनाल लाइफ रम कम कथ कह बाबूसान को आप भल पाई कम देखिक तांको भल पाइवा देखते सुपरस्टार इमेज देखते परिश्रम एवं काम देखिकी गुड वर्क देखिकी सो से कमर गोटे नेक्स्ट लेवल वर्क हूँ दमन प्लीज डू सपोर्ट मु विशेष ए विषय डिस्कशन करी आई वांट टू स्टॉप दिस टॉपिक हियर इटसेल्फ ए सब भितर चलतु दमन रिलीज हो गला दमन परफॉर्म भी कला चलो परफॉर्म भी कलानी व्हाट एवर द थिंग्स विल बी सेट अ ऑडियंस को ऊपर बहुत किसी जिनस रहे बट मुझे गोटे जिनस आपको कही रखा चाहिए मुझे टीम सहित लास्ट वन मंथ टू मंथ है कम्युनिकेशन करुच्ची दीप भाई विशाल भाई समस्त सहित मोर कम्युनिकेशन हुए रेगुलर बेसीस दमन फिल्म को से मैंने भल बजेट्रे दे हैड सोल्ड से मानकर बिक्री हो गला मुझे दूर जानी एंड दे गॉट देयर मनी से हिसाब से बट तथापि से माने इतिकी एफर्ट दौंती जे भल रिलीज होगापी दी थर तीन थर बिकज भल हॉल मिलूनी बोली से माने अधिका हॉल एक्सपेक्ट करी रिलीज डेट गड़ौंती केवल एथिपे आपे गोटे प्रड्यूसर चाहे कौन चाहे मो फिल्म तो मुझे बनईदेली मो पैसा बाहर करी रिलीज करदेली लोक मैंने देखिए जितक जन देखा कथा देखु बाकी तो टीवी देने देखिए ना मुझे ये टीम को बहुत एप्रिसीएट कै आउ माने बिकज से एफर्ट एत जेन्युन वे देखने सेफर्ट दौंस से व्यूअर्स पाखे प्रॉपर वे अवेलेबिलिटी भी करेंगे प्रोडक्ट को सो भाई मैंने आउ थे कह दिस इज द रीजन व्हाई यू मस्ट हैव टू वॉच दमन फ्यूचर ऑफ ओडिया सिनेमा जदि परफॉर्म भी न कर दमन माने आई एम सॉरी टू से दिस माने भगवान न करते हो जदि सपोज भी एत एफर्ट देलापर भी आम फुटफॉल पाने कड़े देखुं आप फ्यूचर ऑफ ओडिया सिनेमा कड़े जा मुझे भी कही आम जो फर्स्ट टाइम जो सब्जेक्ट उपर बसिलु तो मुझे तीन जन कथा कि गोटे स्टेप रे केबे चेंजेस आसे ऑफ कोर्स प्रोसेस तो माने सक्सेस गोटे रात रात हुए नहीं केबे आउ से जिन तीन जन बहुत भल भाव रियलाइज कर दीजिए डे वन रु तेणु आम गोटे जिनस कनेक्ट कर हंड्रेड परसेंट दौचु कि दौन मैंने नाइंटी परसेंट इज नॉट एक्सेप्टेड हंड्रेड परसेंट देचु सो वी आर ओके देन ऑडियंस को छाड़ी दौ सी के भल लगला से फाइनाल जजमेंट तो ऑडियंस ही देवे कि आम तरफ आम जो चेष्टाटा मानते सब रही मानने फेल्युअर ना मानने एफर्ट्रे
ସବୁବେଳେ ବିଲିଭ୍ କରୁ। ଆପଣ ଅଲଗା ମେକର୍ସ ମାନଙ୍କୁ କିଛି ମେସେଜ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ଯୋଉ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ଜେନୁଇନ୍ ୱେରେ ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଆଉ ଉପରେ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଯେ ଅଡିଏନ୍ସ କେବେ ଭରସା କରିବ, କେବେ ନା କେବେ ତ ଭରସା କରିବ, କିଏ ନା କିଏ ତ ଆମ ଭଳିଆ ଡାଇରେକ୍ଟରଟେ ଆସିବ, କିଏ ଗୋଟେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଆସିବ ଯିଏ ବନେଇବ, ସେଟା କେବେ ହବ? କେବେ ସେ ଅଡିଏନ୍ସଟା କହିବ ଯେ ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଯାଉଛି ଦେଖି ଦେଖା ଚେକ୍ କରେ, ଯଦି ଭଲ ହେଇଥିବ ଦଶଟା ଲୋକଙ୍କୁ କହିବି, ଯଦି ଖରାପ ହେଇଥିବ ଦଶଟା ଗାଳି ଦେବି, ଦଶ ଲୋକଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ଖରାପ ହେଇଛି, ଶହେଟା ଲୋକଙ୍କୁ କହିବି ଖରାପ ହେଇଛି, ଯାହାନି ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବ, ସେଇଟା କେବେ ଆସିବ? ମୋତେ କଥା ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି, ଟ୍ରେଲର ଭଲ ଲାଗୁଛି, ପୋଷ୍ଟର ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଯାହା ବି ଭଲ ଲାଗୁଛି, ତ କିଛି ଭଲ ଜିନିଷ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଆ ଭିତରେ ଏମିତି ଜିନିଷ ଅଛି ମୁଁ ସିଓର ଯେ ସେମାନେ ପ୍ରାଇଭେଟ ମାନେ ପ୍ରାଉଡ଼ ଫିଲ୍ କରିବେ ଯେ ଯାହା ହଉ ହେଲା, କାହିଁକିନା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବମ୍ବେରେ ଥିଲୁ ନା, ମୁମ୍ବାଇରେ ଆମେ ଭାବୁଛେ ଆମର ଚେନ୍ନାଇରୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଥିଲେ, କେରଳରୁ ଥିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଫିଲ୍ମ ଦେଖେଇ ପାରିବି, ପୁରୁଣା ଫିଲ୍ମ ଦେଖ, ଇଭେନ୍ ବିଶାଲକୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ବିଶାଲକୁ ମୁଁ ସବୁ ପୁରୁଣା ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଛି, ଭାରି ଖୁସି ହୁଏ ଦେଖି, ନୂଆ ଫିଲ୍ମ ଥିଏଟରକୁ ନେଇଯିବୁ, ଗୋଟେ ଦିନରେ ତିନିଟା ଶୋ ଦେଖିଛୁ ଆମେ, ଗୋଟେ ଦିନ ମୁଁ ବିଶାଲ ଯେହେତୁ ଗ୍ୱାଲିୟରରୁ ଆସିଛି, ତିନିଟା ଶୋ ଦେଖିଲି। ଆମର ତ ମେନ୍ ପ୍ରୋଟାଗନିଷ୍ଟକୁ ଛାଡ଼ ଦିଅନ୍ତୁ, ବାକି କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସମାନ ସମାନ ସବୁ ଫିଲ୍ମରେ, 15 ମିନିଟ୍ ପରେ ଦେବୀ ନିକଳତେ ହିଁ ଦୁସରେ ସେକେଣ୍ଡ ଶୋରେ ଯିବୁ ଦେଖିଦେବୁ, ସେ କହ ଦେବୀ ये तो इसका फुटेज लाके यहाँ ज्वाइन कर दो, किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा इसका बाप उस फिल्म में है। सही में मतलब सेम सेम देखा जाओ चलती सेम ये सब तो सेम अच्छी अपन अभी अगर शूटिंग करी पड़ेगा अपन कुछ कैरेक्टराइजेशन नहीं अपन का कॉस्ट्यूम भी बहुत टाइम सेम था बाबो तो अपन लोकेशन भी सेम है लोकेशन भी सेम है सेम घर फिल्म शूटिंग है जी तो ए फिल्म बी फिल्म सी फिल्म अच्छी ए फिल्म रो यदि एक्स कैरेक्टर का बाहर की जाऊ जी ସି ଫିଲ୍ମରେ ସେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟା ଆଜି ପଶୁଛି ଆପଣ ସେତେ ମାନେ ଜଏନ୍ କରିଦେବେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମରେ। ତ ଏଇସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ଗୁଡ଼ା ଥିଲା ଯୋଉଟା ବିଶାଲ ଦେଖିକି କଲେ ବଢିଆ ଚାଲିଛି। ସୋ ଏକ ଚିଜ ବୋଲା ଥାଏ ସାର୍ ଫ୍ୟୁଚର ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ସିନେମା କା ଜବାବ ପୁଛେ କି ହର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ମେ ଏକ ଏସା ଟାଇମ ଆତା ହୈ ଲାଇକ ଆପ କେରଳ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଦେଖେ ବେଙ୍ଗଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଦେଖେ କୁଛ ବି ଦେଖେ ଜବ ପୁରା ଏକ ତରିକେ ସେ ଡାଉନଫଲ ହୋ ଜାତା ହୈ ଔର ହମେ ଲଗତା ହୈ କି ଆଚ୍ଛା ଅଡିଏନ୍ସ ଇଜ ନାଓ ନଟ ଗେଟିଂ କନେକ୍ଟେଡ ୱିଥ ଦ ଫିଲ୍ମ ସବଜେକ୍ଟସ। तो मुझे लगता है कि उड़िया पिक्चर और उड़िया इंडस्ट्री के साथ शायद अभी एक ऐसा टाइम है जहाँ पे जो ऑडियंस है वो कनेक्ट नहीं हो पा रही है, तो हमें ऑडियंस को कनेक्ट करने का ज़रूरत है। कनेक्ट कैसे होगा? कनेक्ट मुझे लगता है कि किसी भी ऑडियंस को कनेक्ट करने का तरीका होता है कि आप जो वहाँ का रीजनल टच है, रीजनल फील है, जो रीजनल एक तरह का सोच होती है, उसके साथ कनेक्ट कराना है। जैसे हमने बोला कि पिछले 10 साल से जिस तरह का अभी तक जो भी प्रोडक्शन चल रहा है, कहीं ना कहीं ऑडियंस उससे कनेक्ट खुद को नहीं कर पाती, बिकॉज हम अगर मैं कोई कोरिया पिक्चर को लाके उसको सोचूं कि मैं अपने यहाँ पे बना दूं, वो कभी नहीं होगा। और जब हम लोगों ने मलकानगिरी घूमे और पिछले 10 साल से तो मैं उड़ीसा में रह रहा हूँ, आना जाना कर रहा हूँ, यहाँ रीजनली इतने अच्छे टॉपिक है, इतनी अच्छी कहानियाँ हैं, अगर हम इसको बनाएं इंडिया की द बेस्ट पावरफुल इंडस्ट्री उड़िया ये तो उड़ीसा में वो ताकत है। और जैसा आप देखते हो ना अभी पुष्पा आ गई, केजीएफ आ गई, कन्नड़ फिल्म, आप देखो अभी बॉलीवुड को इतना फिल्में लोग पसंद नहीं कर रहे हैं लेकिन वो पुष्पा देख रहे हैं, केजीएफ देख रहे हैं, बाहुबली आरआरआर देख रहे हैं। क्यों? बिकॉज वो लोग पिक्चर में एंटरटेनमेंट के साथ साथ जो एक रीजनल टच है ऑडियंस का, जो कल्चर है, आर्ट है, लैंग्वेज है, उसको नहीं भूले हैं। तो अगर हमने इस चीज को सोच के फिल्म बना रहे हैं, सी ये तो दमन हो गया, दमन का सब्जेक्ट इटसेल्फ इज डिफरेंट, अगर हम हॉरर भी बना रहे हैं, लव स्टोरी बना रहे हैं, लेकिन हम अपने कल्चर को बढ़ावा दे रहे हैं। बिकॉज मेरा देवी का मानना ऐसा है, मैं इसीलिए फिल्म इंडस्ट्री में हूँ, बिकॉज आई लव स्टोरी टेलिंग। दूसरी चीज, हम अपनी फिल्म के थ्रू क्या मैसेज दे रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारी पहली फिल्म है बिफोर बुंदेलखंड, हिंदी फिल्म है, उसमें हम दिखा रहे हैं कि फार्मर सोसाइटी बुंदेलखंड में इस तरीके से होता है। सो एक एंटरटेनिंग वे में आप स्टोरी भी देखें, साथ में फार्मर का इशू भी समझें। दूसरा जो पिक्चर था बीजू बाबू, उसमें आपने देखा कि फेक न्यूज किस तरीके से लोगों को कर्व कर रही है, उसके ऊपर था। दमन भी ऐसा फिल्म है जहां पे एंटरटेनमेंट के साथ में एक मैसेज आपको समझ में आए। बिकॉज अभी हम लोगों ने शायद 4-5 साल में 3 ही फिल्म किया है, बहुत ऑफर होते हैं, साल में 4 बना सकते हैं, बट वी डोंट डू दैट। वी सी के अगर मैं पिक्चर बना रहा हूँ, दैट इज द मीडियम जहाँ पे मैं कुछ बात भी बोलना चाहता हूँ, कुछ मैसेज भी देना चाहता हूँ, सो दैट इज द प्रायोरिटी। ओके, क्रिएटिव लोगों को फ्रीडम दरकार। सो नेक्स्ट कौन चिंता है जी, इफ आफ्टर दमन व्हाट इज द प्लानिंग फॉर यू? आगु को हमर बदे 10-15 वर्ष पे फिल्म रेडी है। ओके, अपन 10 इस अच्छे से स्क्रिप्ट है, प्रोड्यूसर आप भूल जाए तो देवी बाबू और विशाल बाबू आप पे ना आंती 10-15 वर्ष पे नहीं स्क्रिप्ट लिखे इसके लगते हम लोग रेडी करके। ओके ओके, प्रोड्यूसर रिक्वायर्ड पड़ी।
सो थैंक यू सो मच दीप भाई दीप भाई एंड विशाल भाई आपण माने इत्ते समय देले हमको इत्ते कथा हेले दमन फिल्म विषय में हमें कथा हेले फिल्म इंडस्ट्री विषय में कथा हेले मु मो टीम तरफ रु इत्ते की विश कर परिबी जे आपण मानकर ए फिल्म गोटे बत्ती घर बत्ती भलिया रहू जे कि रास्ता देखेब ओडिया फिल्म इंडस्ट्री को जे फिल्म मेकिंग केमती करा हुए राता राति तीन मास रे फिल्म करके रिलीज हुए नी इट विल टेक टाइम गोटे भल फिल्म गोटे भल प्रोजेक्ट टाइम रिक्वायर्ड करे एंड केवल से नुहे ऑडियंस मानू भी पुल कर फुटफॉल को फिल्म थिएटर को जदि एति जिनस हो पारे ताले आम भाबू जे ओडिया फिल्म पुणी बैक कर पार मोर तो बहुत आशा अच्छी सो मुझे शेष थरपाई आप रिक्वेस्ट करी प्लीज डू गो एंड व्वाच दमन इन थिएटर थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू टू कम एंड आउ थरे कहबी एक्सपेक्ट करी दमन बहुत बड़ हिट हो एंड आप केवल पैसा इनकम न करंतु लोकंकर मन भी जणंतु थैंक यू आपण भी इबले शो करतांतु कारण एटा बदे गोटी शो ओडिसा रे जोतले किछि जे भी न्यू कमर आस्तै ताको बहुत शिक्षा मिलो जेंति आपण व्हाट्सएप नंबर दोउचंती कांटेक्ट करिया पेन से सब जनस न्यू कमर को भी एक प्रोत्साहन दोउचे ता सहित जो ऑडियंस अछंती से भी प्रोग्राम देखले जानि परबे जे कोन एक्चुअली कोर प्रॉब्लम अछि त कनेक्ट हो थैंक यू ऑल माय बेस्ट थैंक यू सो मच थैंक यू